नीमच जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर बीएल रावत से कोरोना वायरस को लेकर खास बातचीत की है, जिसमें यह बात सामने आई है कि नीमच जिले में अभी तक 100 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसमें से कुछ लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। क्या कहना है कोरोना वायरस को लेकर जिले में क्या स्थिति आई है, सुनते हैं बीएस रावत की जुबानी से। जो पॉजिटिव केस निकला है मंदसौर का, उनके जो रिश्तेदार थे, जो उनके दाह संस्कार में शामिल हुए थे, उनके परिवार के लोग और उनके जो भी संपर्क में आए थे, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है एहतियात के तौर पे, और उनकी जांच कराएंगे और अगर जांच उनकी नॉर्मल आएगी तो उनको रिलीज़ कर देंगे। एहतियात के तौर पे कदम उठाया गया कि अपने ज़िले में संक्रमण ना फैल पाए। नहीं, अर्किया खाल के हैं उनके परिवार के, और उनके जो भी संपर्क वाले हैं, दूध वाला, किराना वाला, जो उनके कॉन्टैक्ट में आए हैं, उन लोगों को लाया गया, 29 लोग। नीमच में देखो पूरा अमला जो है सभी विभागों का समन्वय से बहुत अच्छा काम कर रहा है, और पूरा प्रयास है कि नीमच जिले तक इन्फेक्शन ना आ पाए। इसके लिए कलेक्टर साहब के नेतृत्व में समस्त विभाग अच्छे समन्वय से काम कर रहे हैं, और उसके अभी तक जो परिणाम है वो बहुत अच्छे हैं। अभी हमको रात में ही भोपाल जो 19 सैंपल भेजे थे उनकी 13 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो नेगेटिव है। 6 की भोपाल से रिपोर्ट पेंडिंग है, और 45 सैंपल जो इंदौर भेजे थे उनकी भी रिपोर्ट आना बाकी है। अभी देखो अभी तक करीबन टोटल 100 के करीब आसपास सैंपल टोटल अभी तक के हो चुके हैं, और नियर फ्यूचर में भी आज भी करीबन इनके 29 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। आने वाले दिनों में भी जिनमें भी कुछ समस्या या जो संपर्क में आने वाले लोग होंगे उनके सैंपल लिए जाएंगे। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।